हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से हम सीएसएस यूज करेंगे एचटीएमएल में एम्बेड करके। हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने सवाल भी पूछा था कि क्या हम इसी कोड को नोटपैड में लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, काम भी वैसे ही करेगा। लेकिन बेहतर है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं एचटीएमएल में, तो नोटपैड के बजाय नोटपैड प्लस प्लस या आप ड्रीम व्यूअर या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का यूज करें। हम यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कर रहे हैं और अभी मैं आपको इसी कोड को में भी चला करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं डॉक टाइप टीएमएल हेड, ओके। और टाइटल की हमें फिलहाल कोई जरूरत नहीं, तो टाइटल हम छोड़ देते हैं, आप लिख भी सकते हैं टाइटल, ठीक है। तो अभी हेड लिख दिया हमने। अब हमें चूंकि सीएसएस हम सीख रहे हैं तो यहाँ पे स्टाइल टैग लगाना जरूरी, तो यहाँ स्टाइल टैग हमने लगा दिया और देन यहाँ पे बॉडी टैग लगाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली बॉडी लिख करके और यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो भी आपका होगा वो यहाँ पे दे सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूं, ओके, तो ये कलर हमने दे दिया। और अब यहां पे इसको टर्मिनेट कर देंगे, तो टर्मिनेशन भी हमने दे दिया, ठीक है। अब नीचे आकर के यहां पर हमें लगाना है H1 टैग लिया हमने यहां पे, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे कर देंगे यहां पे, और फिर यहां पर कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर हमें वो कोड लिखने हैं जिसके बेस पर हमारा H1 टैग रन करेगा। तो यहां लिखता हूं मैं कलर, ठीक है, नाम यहां पे दे देंगे, ठीक है। जैसे मैं लगाना चाहता हूं वायलेट, तो यहां लिख दिया वायलेट, ठीक है। इस तरह से करके जो भी कलर हमें लगाना हो उसका नाम हम यहाँ पे दे सकते हैं, ओके। अब फिर ये काम भी हो गया हमारा, तो इसको भी टर्मिनेट करेंगे। टेक्स्ट को आप किधर रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन, अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ सेंटर लिख सकते हैं, राइट लेफ्ट जिधर भी आपको रखना हो। तो मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ सेंटर कर दिया, तो टेक्स्ट भी हमारा काम ये भी हो गया, ठीक है। और रखेंगे हमें H1 टैग और बैकग्राउंड कलर, यही दो चीजें, इसी दो चीजों पर काम करना है नीचे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। जो स्टाइल टैग हमने ले रखा था उसको मैं करता हूं यहाँ पे क्लोज, इसका काम हो गया, ठीक है। अब स्टाइल टैग को क्लोज करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हेड को भी क्लोज कर देना है। तो यहाँ हेड को भी क्लोज कर दिया हमने, ओके। हेड को क्लोज करने के बाद फिर बॉडी लेना है, बॉडी टैग ले लिया हमने, ओके। और बॉडी टैग लेने के बाद हमें H1 में क्या देना है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है, जैसा कि दिस इज इंडिया, और यहां पे H1 को कर दिया हमने क्लोज, ओके। इतना लिखने के बाद अब हमें बॉडी और HTML को ही क्लोज कर देना है यहां से। तो पहले मैंने बॉडी क्लोज करा, देन HTML को क्लोज कर दिया। हेड और वगैरह वगैरह ये सारे पोर्शन तो पहले ही क्लोज हो चुके हैं, तो इसको हमने क्लोज करा, ठीक है। अब इसको सेव करने की बारी है, मैं इसको सेव करता हूं यहां से, ठीक है। और यहां पे मैं लिखता हूं back.html, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूं ताकि डेस्कटॉप पे ये आ जाए और आपको मैं दिखा सकूं, ठीक है। तो अभी ये डेस्कटॉप पे आ चुका है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं हेलो This is India लिखा हुआ आ रहा है, जो हमने H1 टैग लिया था। तो ये तो हम सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर पे काम कर रहे हैं, तो अभी हम इसी कोड को उठा करके नोटपैड पे ले जाएंगे। मैं इसी कोड को सेम उठाता हूँ यहाँ से और नोटपैड पे करके दिखाता हूँ। लेकिन अच्छा ये होगा कि आप नोटपैड के बजाय सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर या ड्रीम व्यूअर या नोटपैड प्लस प्लस को यूज करें, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बनाने के लिए बेहतर नोटपैड प्लस प्लस या सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर है, या बेहतर ये होगा कि आप ड्रीम व्यूअर ले लें, ठीक है। ड्रीम व्यूअर इज अ काइंड ऑफ IDE, मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहां पर मैं नोटपैड लिखा, नोटपैड इसको ओपन कर लूंगा और इसी पे
इस कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये पेस्ट कर दिया हमने, और यहां से फिर मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूं दूसरे नाम से। देखिए देखते हैं ये कि हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं। ये हमारा प्रोग्राम है, डबल क्लिक करता हूं, इसको ओपन करता हूं, तो यहां पे देख सकते हैं कि नोटपैड पर भी यही सेम प्रोग्राम रन कर रहा है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, और आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप नोटपैड को छोड़िए और नोटपैड प्लस प्लस या ड्रीम व्यूअर या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।